मुजफ्फरपुर के नवयुवक समिति में पटेल हितकारिणी संघ की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पत्नी स्वर्गीय मंजू सिन्हा की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय मंजू सिन्हा एक ऐसी महिला थी जो महिला के बड़े हितैषी और साथ ही साथ छात्र छात्राओं के हित में हमेशा आगे रहती थी। आज का ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की दिवंगत धर्मपत्नी स्वर्गीय मंजू सिन्हा की याद में आयोजित की गई। आज 14 मई को उनकी 12वीं पुण्यतिथि है। मंजू सिन्हा एक शिक्षित महिला थी और हरनौत में उनका अपना घर हुआ और वर्तमान में कंकड़बाग में वो रहा करती थी। 14 मई 2007 को शाम 7:30 पर दिल्ली के मैक्स अस्पताल में उनका निधन हुआ। मुजफ्फरपुर सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शहीद बैकुंठ शुक्ल का 28वें बलिदान दिवस के अवसर पर अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल स्मृति समारोह के तत्वाधान में बैरिया गोलंबर स्थित शहीद स्मारक पर भव्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। वहीं डॉक्टर भगवान लाल सहनी की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में सर्वप्रथम जिला प्रशासन की ओर से बिहार पुलिस के 10 जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया तथा शस्त्र घुमाकर सलामी भी दी गई। पचासीवां शहादत दिवस गार्ड ऑफ ऑनर के साथ प्रोफेसर भगवान लाल, जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में आज यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिला प्रशासन के द्वारा गार्ड ऑफ प्रशासन उपलब्ध कराई गई है। चुनावी माहौल में नियम कानून को रखते हुए यहाँ कोई लाउड स्पीकर या मीटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है। वर्तमान सरकार द्वारा 27 वर्ष संघर्ष करने के बाद श्री शुक्ल की आदमकद प्रतिमा काश का 27 लाख रुपए में विराजमान हुआ, ये स्थापित किए गए। लेकिन इस गोलंबर के देख रेख को आप सभी महसूस करेंगे कि जिला प्रशासन के द्वारा, सहारा इंडिया के द्वारा यह गोलंबर पार्क उपेक्षित है और मात्र विद्युत कनेक्शन के अभाव में यहाँ पर लगा हुआ फुहारा नहीं चल रहा है, यहाँ के गार्डन की सुरक्षा नहीं की जा रही है। मैं खासकर जन प्रतिनिधि और समाज सेवी लोगों से आग्रह करूंगा कि इस संबंध में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद शीघ्र ही एक बृहद कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाकर हम लोग आंदोलनात्मक कार्रवाई इसके लिए करेंगे। यह आज के दिन में इस शहादत दिवस के दिन हम संकल्प ले रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के जिला परिवहन कार्यालय स्थित निजी एजेंसी की लापरवाही सामने आई है। अपने निजी वाहन के लिए हाई सिक्योरिटी प्लेट लेने पहुंचे पीड़ित वाहन मालिक को वाणिज्यिक वाहन की प्लेट थमा दी गई। मामला है जो प्राइवेट नंबर का, ये गाड़ी नंबर है तो टैक्सी नंबर में काट दिया रसीद। अब बार बार परेशान है, दो बार तीन बार चार बार आए यहाँ, अब फिर कहे हैं फिर दोबारा पैसा लगेगा। क्या परेशानी हुई थी? परेशानी हुआ तो बार बार आते, दो चार बार आए तो बाद में ये रसीद चौथा दिन कटा, कटने के बाद ही मतलब प्राइवेट नंबर में टैक्सी नंबर में दे दिया। निजी रसीद आपने कटवाई थी? निजी गाड़ी निजी, का निजी गाड़ी का विभाग ने काट दिया इसको। हाँ, आपको कमर्शियल वाहन। हाँ, हाँ, हाँ। क्या बोल रहे हैं अधिकारी लोग? बोल रहे हैं दोबारा फिर रसीद कटाना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर के जिला कृषि पदाधिकारी कृष्ण कुमार वर्मा ने जिला कृषि कार्यालय में पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए कहा कि अगर किसी किसान के फसल में आग लगती है तो उसका मुआवजा कृषि विभाग सरकारी दर के हिसाब से देती है। उन्होंने किसानों को बताया कि अगर किसान खेतों में लगाए गए बोर्डिंग या पंप सेट का हैंडल जिससे चालू होता है उसे वही रखे तो आग लगने पर उसे चालू किया जाए तो फसल को जलने से बचाया जा सकता है। उन दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा था और डीएम साहब उन पर इतना विश्वास करते थे कि कहीं कुछ नाइट वाइट की ड्यूटी है, कहीं कुछ डेरा पर भी मर्ज करना।
को लेकर व्यवस्था तो है, इसी व्यवस्था के बीच ही जो आपका जनरल बिजनेस है उसको तो हम अपना छोड़ सकते हैं। अभी हम लोग के यहाँ खबरें केवल चुनाव की जाती है एकदम मान्य नहीं। अभी जैसा कि रबी मौसम में जो फसल पकती है तो अप्रैल माह में अक्सर ये समस्याएं आती रहती हैं, तो उसमें हमने किसानों को भी कुछ दिन पूर्व जो है थोड़ा सा सुझाव दिया था कि वो फसल की पहले तो प्रिकॉशनरी रक्षा करने का प्रयास करें, जिससे कि वो कहीं सिगरेट पी के करके ही कोई फेंक देता है, अपने जो मशीन अगल बगल है उसको थोड़ा कार्य रखने की आवश्यकता होती है जब तक फसल नहीं कट जाता है, चाहे वो थ्रेसिंग फ्लोर हो चाहे खेत हो। और अगर मान लीजिए कहीं आग दुर्भाग्य से लग ही गई तो थोड़ा सा कुछ दूरी पर उसको जो है फसल की एकाएक कटाई करके उसमें कैप बना देने का प्रयास होना चाहिए, तो थोड़ा आगजनी का प्रभाव कम हो जाता है। तो वैसे जो इसका नियम की जहाँ तक बात है तो इसमें किसान जो है अपना अध्यावेदन तुरंत जो है अंचल अधिकारी को देना चाहिए, थाना में भी जो है रिपोर्ट करना चाहिए, और वैसे हम प्रखंड कृषि पदाधिकारी और जो हमारे CEO हैं वो ज्वाइंट सिग्नेचर से जो कोई भी फसल क्षति है उसका आकलन करके यहाँ आपदा कार्यालय में जिला में उपलब्ध कराया जाता है, और उसके बाद जो SOP है जो है आगजनी का उसके आधार पर किसानों को जो भी मुआवजा राशि है वो उपलब्ध कराया जाता है। उधर मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ शास्त्री नगर में चोरों ने एक घर को अपना निशाना बनाया है। चोरों ने 35,000 नगदी समेत करीब 12 लाख रुपए की सोने की जेवरात, मोबाइल व अन्य सामान को चंपत कर चलते बने। वही पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आज रात 2:45 बजे हमारी पुतोह जगी है, देखी है कि जो एक लड़का था वह करीब 15 साल के आसपास और नीला रंग का शर्ट पहने हुए था, वो देखी जो उसका बैग लेकर के और भाग रहा है वो। हालांकि हम जगे, पीछे से हम दौड़े लेकिन हम ऊपर छत पर चले गए, अब वो किधर से भागा वो हम नहीं देख पाए। उसमें जो है सो ओकरा गहना था, करीब 12 लाख का गहना था, एक बैग में जो है सो 30,000 कैश था, है ना। हमारे लड़का का जो है सो पैड शर्ट टांगल था जिसमें कि उसका वो क्रेडिट कार्ड था, वो डेबिट कार्ड, क्या नाम है वो, अब ड्राइविंग लाइसेंस, ऑनर बुक, कुछ कैश, ये सब था। ओकर पैंट भी लेकर के चली गई। हम पुलिस को उसी समय सूचना किए एंड फोन किए, पुलिस आई भी 1 घंटा में और पुलिस सब देखी है। तो हम बताए पुलिस को कि हमारा मोबाइल अगर ट्रैक होता है तो पकड़ा जाएगा, कारण कि हमारा तीनों मोबाइल बढ़िया क्वालिटी है, है ना, ट्रैक होने पर पकड़ा जाएगा। पुलिस हमसे तीनों नंबर ली है, कही है कि जब मैसेज कर दिए हैं भी ठीक है, तब हम आपकी मर्जी आप कीजिएगा, वही ना होगा। अब आप बिहार न्यूज TV को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर ले ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार। बगहा नगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सीमावर्ती उत्तर प्रदेश से गंडक दियारा के रास्ते अवैध तरीके से लाए जा रहे 57 पीस देसी शराब के साथ नाव को भी बरामद कर लिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश से भारी मात्रा में शराब की खेप लाई जा रही है, जिसके आलोक में थाना अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद ने त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस पदाधिकारियों की टीम गठित कर रजवटिया घाट पर छापेमारी की, जिसमें नाव पर बोरी में रखे 57 बोतल देशी शराब उत्तर प्रदेश ब्रांड बंटी बबली को बरामद किया है। वही अन्य दर्जन बोतल शराब को शराब तस्कर गंडक नदी में बहा दिया। अब जात किया है। माओवादी द्वारा बाराचट्टी थाना अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम सिसियातरी में सड़क निर्माण में लगे एक पोकलेन व एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया है। बड़े पैमाने पर हथियार के बरामद होने के मामले में NIA ने सुरेश ठाकुर, शिवेंद्र कुमार रजक और चंद्रवती देवी के खिलाफ NIA के विशेष अदालत में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है। जबलपुर आयुध कारखाना से दर्जनों AK-47 राइफल मुंगेर इलाके में आरोपितों के पास से बरामद किए गए थे। इस मामले में NIA ने 2018 में प्राथमिकी दर्ज की थी।
फोन आगे काय कर देते हैं। बरौनी समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के बीच स्थित दल सिंह सराय रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर एक युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। वही सूचना पर जीआरपी के हवलदार मोहन पासवान सहित आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर धनंजय कुमार मौके पर पहुंचे। पिरपैती बाराहाट मुख्य मार्ग पियालपुर चौक के पास अनियंत्रित हाईवा ने दो युवक को रौन डाला। युवक पिरपैती थाना अंतर्गत किर्तिनिया गांव का रहने वाला था। वह इस घटना से आक्रोशित लोगों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। तो हाई लिस्ट में आएगा। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण विधि व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था से संबंधित मामलों पर कार्यवाही करने की रणनीति बनाई गई। कोई भी पक्ष विपक्ष वाले विरोध प्रदर्शन या विजय जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकल पाए, तो ना ही आपसी व्यवस्था के कारण झगड़ा करने की स्थिति उत्पन्न होने की जाएगी। और अपराध के संबंध में जो लूट की घटनाएं रिपोर्ट होती, उसमें टीम बना करके हम लोग को कंसनट्रेट होकर कार्रवाई कर ली कि रोक लगे। अन्य बिंदु भी बताया गया उसका शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। हाँ, ट्रैफिक एक तीसरा बिंदु था, इसमें डीएसपी गार्ड भी शामिल थे कि ट्रैफिक में कैसे नए जवानों को लाया जाए, कैसे ट्रेंड किया जाए और ट्रैफिक इन्फोर्समेंट को कैसे व्यवस्थित किया जाए ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ हो। उसमें मुख्यतः लोगों को जागरूक बनाना, उनको एजुकेट करना, उसके बाद फिर इन्फोर्समेंट वाली हमारी जो बात है, कुछ सुविधाएँ बढ़ाने वाली बात है, सभी को हम लोग अनुपालन सुनिश्चित करें। अभी घटना रिपोर्ट हुई, उस पर तफसील से समझ रहे कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और बढ़ते हैं खबरों की ओर। बाढ़ थाना अध्यक्ष संजीत कुमार को गुप्त सूचना मिली कि शराब की बड़ी खेप ट्रेन के माध्यम से लाई जा रही है और इसे शहरी हॉल्ट के पास के बाजार समिति के सामने उतारी जाएगी। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष ने एनटीपीसी थाना अध्यक्ष के साथ टीम का गठन करते हुए पुलिस बल के साथ साथ लिबास में शराब माफिया के खिलाफ जाल बिछाया। शराब माफिया अपने निश्चित कार्यक्रम के तहत उस स्थान पर ट्रेन का वैक्यूम कर शराब की खेप जैसे ही उतार कर मोटरसाइकिल से ले जाने की तैयारी में जुटे, वैसे ही पुलिस के जवान चारों तरफ से शराब माफियाओं को घेर लिया और शराब की बड़ी खेप पकड़ने में कामयाबी हासिल की। शराब के साथ साथ तीन बाइक और छह लोग भी पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस ने बताया कि कुछ शराब पुलिस के डर से शहरी हॉल्ट के पास नहीं उतारी गई, लिहाजा दुरंतो एक्सप्रेस में शराब की बड़ी खेप आगे जा रही थी। लिहाजा बाढ़ थाना अध्यक्ष ने इसकी सूचना राजेंद्र नगर आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारी को दी, जिसका प्रतिफल हुआ कि राजेंद्र नगर स्टेशन पर भी बैटरी बॉक्स से भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद होने में कामयाबी पुलिस को हाथ लगी।
हम लोग जब पिछले बार शराब पकड़ाए थे तो इस बात की हम लोगों ने अनुसंधान में पता लगाने का प्रयास किया था कि दुरंतो कब कब हमारे क्षेत्र में भैकुम किया गया है। तो इस तरह का कोई एंट्री नहीं है, रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा बतलाया गया है स्थानीय स्टेशन पर कि इस तरह का कोई एंट्री नहीं है। तो यह बनता है कि जब कोई अगर चेन पुल होता है तो उसका कंप्लेन वो लोग लिखवाते हैं, लेकिन ऐसा लिखाया नहीं जाना इस बात का पक्का संदेह पैदा करता है कि ये उन लोगों की मिली भगत है और निश्चित जगह पे जहां ये पॉइंट है वही गाड़ी रुकती है। कोसबई थाना क्षेत्र के तारतल गांव में आई बारात का नाचगान देखने गए युवक की बारात में फायरिंग के दौरान माथे में गोली लगने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। मृतक की पहचान 18 वर्षीय विक्रम कुमार तारतल घोसवरी थाना क्षेत्र निवासी के रूप में की गई है। इधर घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया है। रियल चीज में है वो जानकारी दो अब इतना जानकारी दे ऐसा मालूम होले ना कि जानकारी गांव में साथ अरे पड़ोस की एक युवती के साथ पूर्व वार्ड पार्षद के भाई ने न केवल रेप किया बल्कि हल्ला करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले को लेकर हिलसा थाने में FIR दर्ज कराई गई है। वही थाना अध्यक्ष प्रेमराज चौहान ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी अभिषेक नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या नाम है? नाम क्या है? क्या हुआ था? घर में घुस कर मुँह बंद कर, बिल्कुल मुँह बंद कर इज्जत कर। तो आप लोग को कैसे पता चला? मोतिहारी नगर थाना पुलिस ने हिंदी बाजार मोहल्ला के घर के बाहर खड़े कार से 14 कार्टून विदेशी शराब को बरामद किया है। शराब बरामद करने के दौरान कारोबारी वहां से भागने में सफल रहा। हालांकि थाना अध्यक्ष लोकसभा चुनाव में प्रयुक्त शराब होने से इनकार करते हुए बताया कि पूर्व में इस कारोबारी के घर से शराब बरामद किए गए थे, जो शराब को नेपाल और दूसरे प्रदेश में मंगा कर होम डिलीवरी किया करता था। 14 कार्टून शराब है, सुमित कुमार है, ललन प्रसाद अग्रवाल के लड़के हैं, हेनरी बाजार चौक पर इनका घर है और उन्हीं के जो गाड़ी है उनका सेंट्रो गाड़ी उसी से ये शराब बरामद हुई है। उनके घर के नीचे पोर्टिको में लगी हुई थी। होम डिलीवरी के लिए रखा गया? हाँ वो बेचते हैं, पहले भी उन पर शराब का केस है, पुर में उन पर शराब का केस दर्ज हुआ। कोई राजनीतिक दल से जुड़े हुए लगते हैं क्या? नहीं नहीं वो तो नहीं जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं चुनाव के लिए रखा गया। उधर सीतामढ़ी के नानपुर के मझौर गांव में SBI के ग्राहक सेवा केंद्र के प्रतिनिधि से बाइक पर सवार तीन अपराधियों ने पिस्टल के बल पर 41,000 रुपए लूट लिए। घटना को अंजाम देकर भाग रहे तीन अपराधियों को स्थानीय ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। लोगों के पकड़ से भागने का प्रयास करने के दौरान अपराधियों ने हवा में 3 राउंड गोली भी चलाई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को भी अपराधियों को अपने कस्टडी में लेने के लिए लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने पकड़ा इनको, ग्रामीणों ने पकड़ा, ग्रामीणों ने उसके नहीं भागते क्रम में एक राउंड गोली भी चलाया है और उसका फिर मझौर चौक पर भी पता चला यहाँ तो भी गोली चलाया है। उसका ड्राइविंग लाइसेंस और तीन चेक है, एक ब्लैंक चेक है, एक चेक भरा हुआ 2.5 लाख का, 1-3 लाख का और सारे डॉक्यूमेंट्स है जिसका जानकारी मेरे जेब में था। तो गाड़ी रोक के क्या किया? गाड़ी रोक करके एक लड़का ने 2 रिवॉल्वर गिरा दिया, एक जो है जेब में से निकाला पैसा और उसका एक गाड़ी का चाबी निकाला, फिर बहुत फरार हो गया। बेगूसराय में अपहरण कर युवती से गैंगरेप करने के मामले में पीड़ित परिवार SP ऑफिस पहुंच मुख्यालय DSP से मिलकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मार्च महीने में लड़की को अगवा किया गया और 1.5 माह तक हथियार के बल पर बंधक बनाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। अब लड़की किसी तरह से वहां से भाग कर पहुंची है। पुलिस ने पीड़िता का बयान कोर्ट में दर्ज कराया, जहां पीड़िता ने स्थानीय पंचायत समिति सदस्य कमल पासवान समेत 3 नामजद और 2 अज्ञात लोगों पर अपहरण कर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों का आरोप है कि शेष बचे आरोपी लगातार धमकी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि प्रेम प्रसंग में लड़की घर से गई थी और आरोपी पक्ष के द्वारा लड़की के साथ शादी का CD भी दिया गया है।
कोई पदार्थ ऐसा जो कि सुनाने के बाद वह बेहोश हो गया। अच्छा। और जब इसको होश आई तो इसको पैर और हाथ दोनों बंधा हुआ था। बच्ची भाग के वहाँ से आई, वो लोग दारू पी रहा था। अच्छा। तो वहाँ से ही भाग के थाना पर आई। तीन आदमी इसके साथ गलत काम भी किया है। हाँ, धमकी आ रही है कि बजाते वो लोग आर्म्स लेके रात में घूम के सबके दरवाजे पर जाके कहता है तुम लोग क्यों आए, बैठा वक्त में गया सामाजिक में मार देंगे। 9 मार्च 2019 का करीब 1.5 माह पहले की घटना है। एक लड़की जो कि नवादा गांव थाना तिया है की रहने वाली है, उसने उसके अपहरण से संबंधित मामला है जो कि अपहरण की घटना होने के बाद में मोबाइल नंबर ट्रेस होने के बाद में थाना प्रभारी के द्वारा जब उस लड़की से बात किया गया तो लड़की के द्वारा बताया गया कि हम इस लड़के से शादी कर चुके हैं, हम इसके साथ ही रहेंगे, हम माँ बाप के पास में जाना नहीं चाहते हैं, माँ बाप उनको मार देगा, ये करेगा वो करेगा जो है। तो थाना प्रभारी के द्वारा काफ़ी अविश्वास दिलाया गया कि तुम आओ भाई, तुमको चूँकि तुम्हारा एज 20 ईयर्स है, बालिग हो, इसलिए तुम्हारी शादी करवा देंगे, तुम चले आओ। तो इनके कथनानुसार वो लड़की सैटरडे को यहाँ पर आई, सैटरडे और संडे रहने की वजह से 164 का बयान नहीं हो सका। और सोमवार को उसका जब बयान कराया गया तो वो 164 के बयान में थाना प्रभारी को कहे बयान से मुकरते हुए यह बताई कि 5 लड़के जिसमें 3 नामजद हैं, रूपक कुमार, सुमन कुमार, एक है कमल पासवान जो कि पंचायत समिति है नवादा का, ये 3 ज्ञात और 2 अज्ञात। मोतिहारी में मानवता शर्मसार हुई है, जहां मारपीट में घायल को अरेराज रेफरल अस्पताल से सदर अस्पताल मोतिहारी लाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस ने पीड़ित परिजनों से 500 रुपए वसूल और लाने के क्रम में रास्ते में वृद्ध की मौत होने पर अस्पताल कर्मियों ने स्ट्रेचर तक मुहैया नहीं कराया। नतीजतन परिजन हाथ पर शव को उठाकर अस्पताल में ले गए और फिर चिकित्सक के मृत घोषित होने पर शव को फिर परिजनों से हाथ पर ही उठाकर पोस्टमार्टम घर तक ले जाया गया। इस दौरान अस्पताल कर्मी संवेदनहीन बने रहे। नहीं मिला है तो हाथ यहाँ पर, हाथ से लेकर हम लोग यहाँ पर आए और हाथ से लेकर एम्बुलेंस से नीचे दूर जा रहे और जिस बेड पर लेकर सुलाए वहाँ से बोले जब इंतकाल करने के बाद में बोले बोले जो यहाँ से निकालो बाहर करो, जल्दी बाहर करो, जल्दी बाहर करो, जाओ। तो फिर हम लोग उठा कर ला कर साइड में रखते हैं, उसके बाद में सब यहाँ पे हम ला रहे हैं। कोई नहीं लाया, कोई एम्बुलेंस स्ट्रेचर मांगे थे उससे? जी मांगे थे, कह रहे नहीं है। घटना बच्चे के लेकर के विवाद हुआ, हम लोग उधर से आ रहे थे, सामने इनके घर के सामने आए तब तक देखा कि 3 औरत लोग आया इनके से और कह रहा था कि बच्चा के लेकर के, तो बोले कि बच्चा तो दोनों स्कूल में पढ़ते हैं सब, मान लीजिए कि बच्चा का झगड़ा हुआ तो उसको सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुए। तब तक वो 3 औरत जो है बच्चों को पकड़ लिया ये मरने वाले का। अब पकड़ने के बाद से वो तस्लीम आया और उसका बाप आया पीछे से राइफल में, उसने कहा कि मारो साले को, बस वो मारा एक ही रड पीछे गर्दन पर गिर के छटपटाने लगा। उसके पास फिर वो मारा हाथ में और मारा, मारने के बाद तमाम लोग दर्द होते हुए उसके बाद दोस्त करके अरे राजल अस्पताल में आए। कैपिटल अस्पताल में आने के बाद वहाँ दिखाए डॉक्टर को, 2-3 डॉक्टर को देखा गया कि या हम लोग तो एम्बुलेंस वाला ले आकर के यहाँ छोड़ कर चला गया। तो मौत हुई है उसके बाद स्ट्रेचर आपको मिला है? नहीं, स्ट्रेचर नहीं मिला, वो इसी तरह बिना स्ट्रेचर का वो रास्ते में लाने पर यहाँ पर मौत हो गई और फट से बोला जल्दी उतारिए अपने पेशेंट को। शादी समारोह से पूर्व रस्म अदायगी करने गए महिलाओं के साथ डांस करना कुछ लोगों को महंगा पड़ गया। घटना बाढ़ थाना क्षेत्र के पुरानी बाढ़ इलाके की है, जहां शादी से पूर्व रस्म अदायगी करने गई महिलाओं के साथ कुछ लोगों को डांस करता देख गांव के ही कुछ लोगों को नागवार लगा और उन लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। मारपीट की इस घटना में 4 लोग जख्मी हो गए, जिसमें से 2 गंभीर रूप से जख्मी है। घटना बाढ़ थाना क्षेत्र के पुरानी बाढ़ इलाके की है।
क्या चीज के लिए झगड़ा हुआ? छुट्टी में गए थे, ठीक है, वहाँ पे अम्मा हुआ था। हाँ, अम्मा हुआ करा तो वो डांस करने लगा, डांस करने लगा तो कोई जोड़ी किए हम लोग, जोड़ी किए तो हाथ खींच लिया लेडीज को, हाथ खींचने के बाद हम लोग जोड़ी किए तो मारना चालू कर दिया। और उसके घर के पास में थोड़ा सा के घर है, जब घर पर से इसका फार करने लगे तो धक्के का चलाने लगा, इसलिए बहुत सारा आदमी घायल है, छोटा छोटा बच्चा भी है। कितना आदमी घायल है? कम से कम 5-6। पाँच छः? हाँ, अभी दो आए यहाँ पर, लेकिन छोटा छोटा बच्चा था वहीं पर दिखा दिया होगा। कौन लोग था वहाँ? कौन था वो लोग? जो हमारा जो कैलू यादव, आरा यादव, सुनील यादव।